उतने लंबे शॉट्स भी लगेंगे, लेकिन यहां पे क्या विकेट मिलेगी? जी हां, शानदार कैच है ये, और ये विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है प्रदीप को कि ये कैच पकड़ा कैसे गया है। नवदीप, क्या लाजवाब एफर्ट, ये शानदार कैच है डीप स्क्वायर पे, बेहतरीन कैच यहां पर, क्या शानदार कमिटमेंट, जरूर से चेक किया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी विकेट रहेगी ये मुंबई हीरोज के लिए। निशान को लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, फ्रंट फुट सही है यहां पर, नो बॉल नहीं, एक लीगल बॉल। देखना होगा कि कैच के इंपैक्ट के वक्त क्या बाउंड्री लाइन से कोई भी संपर्क था, कमाल की हाइट को यहां पर कैच करते हुए और लैंडिंग भी बहुत ही दूर उस बाउंड्री लाइन से। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच अब तक का रमन, हवा थोड़ी तेज चलती हुई, अब शॉट इस बार उठाकर खेल दिया है और एक और कैच यहां, एक और बेहतरीन कैच निशांत, इस बार जो पिछली बार बॉलर थे, इस बार बेहतरीन कैच लेते हुए, जरूर इसे चेक करेंगे अंपायर्स, लेकिन क्या एफर्ट, बहुत ही अच्छा कैच है क्योंकि गेंद डिप कर रही थी, और निशांत दहिया लंबी कदगाठी के प्लेयर हैं, और यहां पे देखिएगा किस तरह से अपनी रीच का फायदा उठाया, जज किया, जब गेंद आपके सामने डिप कर रही हो मुश्किल होता है। 18 रन बनाकर प्रदीप आउट हुए, 38-2 कर्नाटका बुलडोजर्स। और अब जो स्लो बॉलर्स है, और ये मार दिया है हवा में, एक और चांस, अनदर ब्रिलियंट कैच, बहुत अच्छा जज किया है निशांत अगेन। देखिए आज तो ऐसा लग रहा है कि कुछ छोड़ नहीं रहे, और मैं कह रहा हूं कि मुसीबत है, आज आज कंडीशंस ऐसी हैं कि हवा में जब बॉल जाता है तो मुश्किल है कैच पकड़ना, और आज मुंबई हीरोज ने जिस तरह से एक कैचेस पकड़ने का एग्जांपल सेट किया है, कमाल है, तारीफ करूंगा मैं। ये कनेक्ट नहीं हुई, थोड़ा बॉडी वेट पीछे रह गया और बॉल के ऊपर आया नहीं, और दूर से क्योंकि बॉल धीमी थी चला दिया बल्ला, बहुत बढ़िया। एंड यहां देखते हुए प्रताप 6 रन पे 7 बॉल्स पे 48-3। उठा के मारा है फिर से पूरा तरह से, बैट पे आया नहीं बॉल, और एक और अच्छी कैच। आज मुंबई हीरोज तो आग लगा रहे हैं आउटफील्ड में, क्या कैचेस पकड़ रहे हैं, और कैचेस विंस मैचेस। एक और बड़ा विकेट, एक और झटका कर्नाटका के लिए। राजीव जो कि 14 रन बना के खेल रहे थे, अपने आप को रोक नहीं पाए, और अपूर्व ने जो बॉल को थोड़ा हैंग टाइम दिया, और टप्पा ऐसा था कि ना स्टेप आउट करे वगैरह आप इस बॉल की पिच पे नहीं पहुंच सकते थे। अभिलाष चौधरी जो आए हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर, उन्होंने बहुत बढ़िया कैच लिया। तो चलिए 14 पे राजीव भार, अब कर्नाटका का स्कोर है 57-5। एंड इन वॉक्स इन करण आर्यन टू फेस अपूर्व, फुलिश लेंथ एंड अंपायर एग्रीज विद अपूर्व। ये तो एकदम से कलैप्स हो गया, बिग और विकेट के बीचों बीच में बॉल थी और अक्रॉस द लाइन जाके खेल गए, मिस कर गए, और कभी भी कहते हैं कि और रिव्यू ले लिया, थोड़ा लेट हो गए, टाइम तो था पर जब उनके डगआउट ने बताया कि आप ले सकते हैं तो उन्होंने लिया। अंपायर्स शायद मुझे लगता है कि तैयार ना हो उस बात के लिए, क्योंकि काफी आगे निकल गए थे और एक टाइम स्टिपुलेटेड है। और चलिए इस समय मुंबई हीरोज ने फिर से धार पकड़ी है जहां पे छोड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटका को कहीं नहीं जाने दिया है, सिंपली पकड़ के रखा है। ये देखिए शफल करते हुए करण ने, ओह डेड, एब्सोल्युटली डेड प्लंप, हिटिंग मिडल ऑफ मिडल स्टंप। एक और डक करण आर्यन का और 57-6। शॉर्ट बॉल हिट इन द एयर, देयर इज अ चांस टू टेक इट एंड अनदर विकेट, मुंबई ऑल ओवर, मुंबई हीरोज ऑल ओवर दिस प्लेस, लुक एट द फैंस, लुक एट जेनिलिया, लुक एट द एक्साइटमेंट इन द डगआउट ऑफ मुंबई हीरोज। ओ ये भी ऊपर चला गया, एक और कैच होगा और एक और कैच, ये तो कमाल कर दिया, एक भी कैच
मैच छोड़ा नहीं, आज मुंबई हीरोज आर ऑन फायर। कंटिन्यूसली विकेट लेते हुए फिर से और स्टंप पे बोल्ड, देयर इज विकेट नंबर 9, वन बॉल टू गो एंड वन विकेट टू गो, कैन वी सी इट ऑल। पर कभी देखा नहीं है कि 10 ओवर में पूरी 10 की 10 विकेट्स गई हैं, बहुत रेयर होता है, पर अब मौका बन गया है। एक गेंद है और बल्लेबाज को भी क्या दोष देंगे, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। 4 रन बनाए हैं त्रिविक्रम ने और अब 68 पे 9।